समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से, स्वयं तू संभल ले ऐसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर सी पंक्तियां कही हैं कि सौंदर्य ध्यान को आकर्षित करता है, जबकि व्यक्तित्व दिल को आकर्षित करता है। और यदि यही व्यक्तित्व आध्यात्मिक व्यक्तित्व हो तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि अध्यात्म एक अपनत्व का एहसास कराता है, अनुभूति कराता है, एक निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति कराता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक विभूतियां होती हैं उनकी ओर बरबस ही हमारा मन हमारा दिल आकर्षित होने लगता है, और दिल चाहता है कि उनसे हम कुछ सुने, अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। आज समाधान के मंच पे एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति हमारे साथ हैं। आप हैं आदरणीय अवधेश दीदी जी, जो कि भोपाल से हमारे बीच पधारी हुई हैं। आई दीदी का अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी जी भोपाल जोन के जो भी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र हैं उनकी निदेशिका हैं, वो जहाँ पे लगभग 200 सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, और 300 समर्पित बहनें हैं जो इनके निर्देशन में कार्य कर रही हैं। साथ ही ब्रह्मा कुमारी इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग है उसकी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही एक मंथली मैगजीन भी निकलता है भोपाल जोन से, जिसकी आप चीफ एडिटर हैं। आइए दीदी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म के पद पर कैसे अग्रसर किया। दीदी, शुरुआत तो यहीं से करना चाहेंगे कि एक लंबी यात्रा आपकी रही है, आध्यात्मिक जीवन रही है, शुरुआत कैसे हुई? क्या परिवार का माहौल कुछ ऐसा था या बचपन से ही कुछ वैराग्य के बीज थे मन में? ये निश्चित बात है मेरे जीवन में बचपन से ही इस दुनिया से वैराग्य था और कुछ ऐसा करना चाहती अपने जीवन के द्वारा जो सर्व को खुशी हो, स्वास्थ्य मिले और सुख मिले। इसे शुभ भावना को लेकर के आपको आश्चर्य लगेगा, बहुत छोटी सी आयु में, मात्र मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा था। अच्छा। तब वो प्रधानमंत्री थे। तब प्रधानमंत्री थी जी जी। और मैंने संकल्प दिया कि मुझे आपके साथ सेवा करनी है देश की। उन्हों का मेरे पास पत्र भी आया जी, और पत्र में लिखा था कि अभी बहुत छोटी आयु है, आप जब बड़ी हो जाओगी अभी पढ़ाई लिखाई करो, इसके बाद देश की सेवा में लग। तो जब मैं छोटी थी, बचपन से ऐसा मेरा संकल्प था कि मुझे संसार को एक नया रूप देना है। और इसी संकल्प को लेकर के हमने अपने लौकिक पिताजी को बचपन से संकल्प दे दिया था कि हमको शादी नहीं करनी है। अच्छा। और हमें देश की सेवा में लगना है जी। जैसे ही हमारी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते
हमें सन 1964 में ईश्वरीय ज्ञान मिला लौकिक माता जी के द्वारा। ये निश्चय तो नहीं था कि भगवान कैसे आते हैं, परंतु ये संकल्प जरूर था कि हमें ये विश्वास होगा कि सही में भगवान यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करूँगी। जी जी जी। तो मैं 68 में इस ईश्वरीय ज्ञान के आधार से माउंट आबू आई और पिता श्री ब्रह्मा बाबा से मुलाकात की। आप सभी को सुनकर के आश्चर्य लगेगा कि मेरे अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या सचमुच भगवान इस साधारण तन में आकर के अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य कर रहे हैं। तो कई क्वेश्चन लेके मैं आई थी और सारे ही क्वेश्चन मेरे हल हुए। उसमें से तीन क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जी जी। मैं छोटी थी, मात्र 14 वर्ष की मेरी आयु थी, मैं फ्रॉक पहने हुए थी और 50-60 माताएं थी और 50 के करीब भाई थे। माताओं की दो दो की लाइन के पीछे मैं एकदम खड़ी हो गई। मन में क्वेश्चन करती हूँ कि हे भगवान, अगर आप इन ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो आप मुझे पहचान सकते हैं, मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकती हूँ? मेरे अंदर इतनी स्टेमिना है, आप तो समझते हैं, अगर मैं बन सकती हूँ तो मैं सबसे पीछे खड़ी हूँ, सबसे आगे बुला करके मुझे प्रसाद खिलाइए। ये पहला प्रश्न आपका पहला प्रश्न था। जी जी। और सच मानिए कि जैसे ही दृष्टि सबसे पीछे गई और साकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने बोला कि पीछे बच्ची खड़ी है, उसको बोला, तो मेरे मन के अंदर में एक शक पैदा हो गया जी। कि शायद मेरी फ्रॉक दिखाई दे गई और बच्ची समझ के मुझे बुला लिया है। संकल्प तो पूरा हुआ, क्वेश्चन का आंसर तो मिला, लेकिन मेरे मन में एक शक पैदा हो गया जी। कि बच्ची समझ के मुझे आगे बुला लिया है। वैसे भी छोटे बच्चों को आगे छोटे बुला बच्चों लिया जाता को आगे बुला लेते हैं। जी। लेकिन शाम को ही जब नाइट क्लास चलती है जो मेडिटेशन रूम में, तो मैं सबसे बीच में बैठी थी और मेरे मन के अंदर में संकल्प आया कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो विश्व कल्याणकारी, वो विश्व पिता परमात्मा क्या सही में कार्य कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो मुझे उसकी अनुभूति कराई। तो मैं तो यही कहूंगी कि भूलों का भगवान है, बच्चों की हर बात को सुनने वाला और मनोकामना पूर्ण करने वाला है जी। उसी समय इमीजिएट क्या दृश्य सामने आता है कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा तो मंच पर बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ पूरी लाल लाइट चक्कर लगा रही और चक्कर लगाते लगाते सिमटते सिमटते भक्ति के बीच में सितारे के माफी सेट हो गई। तो ये आपने खुली आंखों से देखा? खुली आंखों से देखा। आपको साक्षात्कार हुआ? खुली आंखों से देखा। और देखते देखते मैं अंतर ध्यान हो गई। इतना सुंदर दृश्य था कि अंतर ध्यान हुई, बाबा के महावाक्य कानों पर पड़ रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहे थे, जैसे आकाशवाणी हो रही हो। आधा पौना घंटा बराबर महावाक्य चलते रहे लेकिन मैं आंखें बंद करके जैसे आकाश में घूम रही हूँ और वही दृश्य मेरे सामने था। जब मेरी आंख खुली तो हॉल में कोई नहीं था। अच्छा, आप अकेली रह गए? मैं अकेली रह गई। तो आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया? दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिला जी। और मुझे निश्चय हुआ कि भगवान का कार्य है, किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये मुझे विश्वास हो गया था कि आपके मन में था कि ये ज्योति स्वरूप परमात्मा ही ज्ञान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये कैसे निश्चय? मुझे 100% ये निश्चय उसी दिन हो गया था। दीदी, क्या ऐसा ही अनुभव दूसरों को भी हुआ करता था जो यहाँ पे आया करते थे, या अपने निश्चय के अलग अलग आधार भी हुआ करते थे? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जो बात कहते हैं कि परमात्मा यहाँ आके ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ही गहरी बात है और सबके कपाट खोल देने वाली बात है, लेकिन जब तक आपकी जैसी अनुभूति नहीं होती तो मन में संशय बना ही रहता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अनुभव तो हरेक का अपना अपना होता है और जिसकी जो भावनाएं होती हैं उसी भावना के अनुरूप ही अनुभव होता है।
ये बात सच है, लेकिन मैं छोटी थी और मेरे संकल्प थे विश्व की सेवा करने का, तो भगवान ने मुझे अनुभव कराए और बहुत सारे अनुभव कराए जी जी जी, और एक एक अनुभव ऐसे कराए जिसके आधार पर मैं सारे विश्व को आज भी चैलेंज दे सकती हूँ कि भगवान कैसे अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य कर रहे हैं। अगर ये अनुभव करना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप कर सकते हैं। हरे के अपने अपने अनुभव होते हैं, जी, जी, जी। जिसके जो संकल्प होते हैं, परंतु तो मेरे जो संकल्प थे, मेरे हर संकल्प का रेस्पॉन्ड भगवान ने दिया। दीदी ये जो बात है, चलिए आगे आपके तीसरी प्रश्न पर जरूर आएंगे कि वो कौन सा था, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सी बात है दीदी कि आज बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे मठ हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, और प्रायः सभी लोग यही बात कहते हैं कि ईश्वर की अनुभूति हमारे यहाँ आप आके कर सकते हैं, हम आपको ईश्वर से मिला सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इस बात को किस ठोस आधार पर कहते हैं? देखिए, जिसकी रही भावना जैसी उन देखी प्रभु मूर्त जैसी, निश्चित बात है। यत्र तत्र सर्वत्र जो भी भक्त आत्माएं हैं, जिस भी रूप में भगवान को मानती हैं, चाहती हैं, उस रूप में भगवान उनको दर्शन देते हैं, अनुभव कराते हैं जी। पर ये बहुत गहरी बात है कि भगवान का गीता के वायदे अनुसार जो दिव्य अलौकिक कर्तव्य चल रहा है, वो मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चल रहा है। कैसे चल रहा है? इसके तीन प्रोसीजर हैं। फर्स्ट तो ये है कि भक्ति, पूजा, पाठ, जप, तप, यज्ञ, हवन, व्रत, नियम सब कर रहे हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय है, सारी यूनिवर्स के लिए एक स्पिरिचुअल एजुकेशन है जो कहीं नहीं। भावनात्मक है दृष्टिकोण, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक एजुकेशन, एक पढ़ाई, एक प्रैक्टिकल जीवन, एक समझ की बात, एक जीवन का लक्ष्य, प्रैक्टिकल धारणा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हो रही है, वो मैंने अनुभव किया। इसलिए भक्ति, पूजा, पाठ, जप, तप तो मैं भी करती आई, मैंने भी बचपन से किया, लेकिन मुझे जो अनुभव हुई और जो बात मैंने देखा प्रैक्टिकल में कि जीवन जीने की कला, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, एक लाइफ स्टाइल, सेल्फ मैनेजमेंट किस प्रकार से यहाँ हो रहा है, वो मेरे जीवन का ठोस अनुभव है। बिल्कुल, और ये आधार हो सकता है लोगों को जानने और समझने का कि सचमुच ईश्वरीय सत्ता यहाँ कार्य कर रही है। कार्य, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता माना सारे विश्व को लेके चलेगी, धर्म विशेष को नहीं, वर्ग विशेष को नहीं, आयु विशेष को नहीं, जाति विशेष को नहीं, देश विशेष को नहीं, पूरे यूनिवर्स को। तो क्या ब्रह्मा कुमारी में ऐसा कोई बंधन, कोई दीवार नहीं है, यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं? यहाँ सारे संसार को एजुकेट किया जाता है, और ये बात 100% निश्चित बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक वो विद्यालय है जिसमें सारे विश्व को जो एजुकेशन दी जा रही है। तो इसका लक्ष्य क्या है? जैसे किसी भी स्कूल में किसी भी धर्म को, किसी भी आयु को, सबको पढ़ाया जाता है ना, ऐसा नहीं सिख धर्म वाले ही पढ़ेंगे, क्रिश्चन धर्म वाले ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। स्कूल कॉलेज कहाँ भी होंगे उसमें हर धर्म को अलाउ किया जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से आप दुनिया में देख रहे हैं ऐसा नहीं है, केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। तो क्या दीदी आज हम सबको निमंत्रण दें यहाँ कि आकर के वो देखें कि सचमुच परमात्मा आकर के अपना कार्य कर रहे हैं? मेरी शुभ भावना है कि सारे विश्व को ये आवाज तो पहुंचानी ही है, अगर परमात्मा से मिलना है जी, प्रैक्टिकल परमात्मा अनुभूति करनी है, तो सारे विश्व को ये चैलेंज करने वाली बात है कि आप यहाँ आइए, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कीजिए, और ये जो अभी तक आप सोच रहे हैं जी, जी, कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे,
क्योंकि गीता शास्त्रों के के अनुसार अनुसार आएंगे। जी एक बात भी है कि अभी कलयुग बहुत लंबे समय तक बचा हुआ है, तो कलयुग के अंत में ही आएंगे या फिर बहुत धर्म ग्लानी होगी तब आएंगे, ये वाली बात भी बहुत सारे लोगों के मन में है। लेकिन आके कार्य कर रहे हैं ये बात भी संभवतः कईयों के ध्यान में नहीं आती, क्योंकि अभी ये है कि कलयुग की आयु तभी बहुत सारी बची हुई है। ये बहुत बड़े अंधकार में है आज का जो मानव है, जो सच मानिए यही है कि आज अंधेरे में है सब इंसान और ज्ञान का सूरज चमका रहे हैं, भगवान चमका रहे हैं। अभी तक जो दुनिया में ये कह रही है ना, कलयुग अजन बच्चा है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, कलयुग जब बच्चा था तो लिखने वालों ने राइट लिखा था, उनका कोई दोष नहीं है, एकदम एक्यूरेट लिखा था कि कलयुग अजन बच्चा है, जब बुढ़ा होगा तो भगवान आएंगे। लिखने वालों ने सही लिखा, लिखने वाले बुढ़े हो गए, इतना समय निकल गया, लिखावट बुढ़ी बनी रहेगी, बच्चा बनी रहेगी। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर ये बताना चाहती हूँ, बच्चा नहीं है, बच्चा है। और किस कंडीशन में बचा है कि इस समय वो वेंटिलेटर पर पड़ा है, अपनी सांसें गिन रहा है। जिस क्षण विज्ञान का वेंटिलेटर हट जाएगा, उस दिन कलयुग समाप्त, दी एंड। लोगों को ये भी रहता है दीदी कि अब तक जो हम चीजें पढ़ते आ रहे हैं, हमारी परंपरा में रही है, धर्म शास्त्र में जो बातें हैं, तो क्या वो झूठी हैं? उनमें भी जो बातें कही गई हैं कि इतना इतना वर्ष है कलयुग की आयु, ये सतयुग की आयु, ये तो क्या ये झूठी हैं? झूठी नहीं है, वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, उनके हिसाब से सच है। लेकिन वर्तमान समय कलयुग की पोजीशन को सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि लास्ट स्टेज पर कलयुग चल रहा है। कलयुग की जो निशानियां दिखाते हैं वो प्रैक्टिकल नजर आ रही हैं शास्त्रों में। जी, जो भी है आपने सुना होगा, महाभारत में बहुत अच्छा दृष्टांत आता है कलयुग दी एंड की निशानी क्या है। तो भगवान से पांचों पांडवों ने पूछा कि भगवान आप जब आएंगे तो ऐसी कौन सी इंडिकेशन होंगी, कौन सी निशानियाँ होंगी जिससे हम पहचान सकें कि आपके आने का समय हो गया है। तो बहुत अच्छा दृष्टांत दिया भगवान ने कि चारों तरफ आप घूम कर के आओ, दो चार घंटे जो कुछ नज़ारा आपको नजर आए तो मुझे बताना। तो घूम कर के आए पांचों पांडव, सबसे पहले दुष्टर आए, उनसे पूछा आपने क्या देखा। तो भगवान, हमने आश्चर्यजनक दृश्य देखा, एक हाथी देखा जो दो सूंड वाला था, देख करके हम हैरान हो गए। दूसरा भीम से पूछा तुमने क्या देखा, तो उन्होंने कहा भगवान हमने भी ऐसा ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि हमने तीन कुएं देखे, एक कुआ पानी से भरा हुआ है, पड़ोस वाला खाली है और दूर वाले पानी कुएं को पानी सप्लाई कर रहे, ये देख करके हम हैरान हो। अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा, तो अर्जुन ने भी कहा भगवान हमने भी आश्चर्य भरा दृश्य देखा कि हमने एक गाय को अपनी बछड़ी का दूध पीते हुए देखा, ये देख करके हैरान हो। नकुल से पूछा तुमने क्या देखा, नकुल ने भी कहा भगवान हमने आश्चर्य भरा दृश्य देखा, एक पक्षी को पंखों पर मंत्र लिखे हुए हैं और मांस खा रहा है, ये देख करके हैरान हो गए। सहदेव से पूछा तो उसने भी कहा भगवान हमने एक आश्चर्य भरा दृश्य देखा कि बहुत ऊंचा पहाड़ गिरता जा रहा है, गिरते गिरते आसपास के मकान दुकान झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ते तोड़ते मात्र एक तिनके के सहारे पर खड़ा हो गए, ये देख करके हैरान हो गए। तो भगवान ने कहा ये सब इंडिकेशन मेरे आने के हैं, ऐसा कुछ नजर आए तो समझ लेना कि मेरा दिव्य अलौकिक कर्तव्य चल रहा है। तो पांचों पांडवों ने कहा कि भगवान इसका राज समझ में नहीं आया। तो राज समझाया कि जो सबसे पहले दुष्ट ने हाथी देखा, दो सूंड वाला, दो मुंह वाला, दो बातें करने वाला, अंदर कुछ और बाहर कुछ और पल में कुछ और, ऐसा राजा होता है, पहला इंडिकेशन। भीम ने जो तीन कुएं देखे कि कैसे अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति का मान नहीं, विदेशी सभ्यता का मान है, अपने परिवार की ये प्रथा का वर्णन है, घर में बड़ा भाई छोटे भाई का सम्मान नहीं करेगा, यार दोस्तों में सब कुछ लुटा देगा। अर्जुन ने देखा
कि किस प्रकार से गाय अपनी बछड़ी का दूध पी रही है। भारत जो इतना सिरदार था, इतना मोहताज बन जाएगा कि माँ अपनी बच्ची की कमाई खाएगी, मतलब अपनी बछड़ी का दूध पी रही है। नकुल ने देखा पक्षी के पंखों पर मंत्र लिखे हुए हैं, मांस खा रहा है। ये धर्म की व्यथा का वर्णन है। बड़े बड़े ठेकेदार उपदेश बहुत कर रहे हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो सहदेव ने देखा पहाड़ गिर रहा है, चरित्र का पहाड़ गिरता जा रहा है, सब कुछ सभ्यता संस्कृति हर प्रकार से चूर चूर होती जा रही है, अगर खड़ा है तो केवल चरित्र के बेस पर। और चरित्र कहाँ दिखाई दे रहा है? केवल मंदिरों में, जीवन में नहीं। तो चरित्र गया माना सब कुछ गया। कहने का भाव, ये जो इंडिकेशन है तो दिखाई दे रहे हैं ना, सो सोचने की पूछने की जरूरत नहीं है। ये समय चल रहा है और परमात्मा का दिव्य अलौकिक कर्तव्य भी चल रहा है। अगर आकर देखना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देख सकते हैं। इसकी चैलेंज मैं कर रही हूँ। जी 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 जी, लगातार आप चैलेंज कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम भी अनुरोध जरूर करेंगे सभी से कि एक बार जरूर देखें। दीदी, ये जो स्थितियाँ आपने बताई, सचमुच आज की स्थिति तो ऐसी बन गई है कि ये हो रहा है, क्या इसका निदान भी वहाँ वर्णित था कि हाँ इसका निदान क्या होगा या कलयुग के बाद फिर क्या होगा, जिसकी व्याख्या ब्रह्मा कुमारियां करती हैं कि अब कलयुग यदि जाएगा तो एक सुंदर सुनहरा युग आएगा, क्या इसका भी वर्णन व्याख्यान कहीं मिलता है? मिलता है। देखिए, सबसे बड़ा व्याख्यान तो प्रैक्टिकल का ये है कि कलयुगी दुनिया जाएगी और सत्युगी दुनिया आएगी। सत्युगी दुनिया माना सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रमुख, ऐसी दुनिया एकदम जस्ट लाइक चेंज। ये कलयुग की दुनिया और वो सत्य की दुनिया, तो ऐसी सत्य की दुनिया लाने के लिए परमात्मा को आकर के ट्रेनिंग तो देनी हो, तो भगवान ने वो ट्रेनिंग दी है ना गीता में। भगवान ने जो ट्रेनिंग दी है उस ट्रेनिंग का नाम क्या है? राजयोग मेडिटेशन। सारे विश्व के अंदर में सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद भगवद गीता जो फर्स्ट पर्सन में भगवान की डायरेक्ट गाई हुई है, कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, फर्स्ट पर्सन में कैसे आके परमात्मा ने जो ज्ञान सिखाया है उस ज्ञान का शास्त्र है सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद भगवद गीता, जो भगवान ने गाई, जो भगवान ने ट्रेनिंग दी, जो भगवान ने पढ़ाया, और जिस पढ़ाई का सार है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन की जब बात करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है ये क्या है? वो केवल प्राणायाम और साष्टांग प्रणाम इसी को लेके योग समझते हैं, पर वो शारीरिक फिटनेस के लिए योगा अलग है और आध्यात्मिक फिटनेस के लिए योगा है जो माइंड का कंसंट्रेशन। बिल्कुल। चलिए दीदी, इसके विषय में जरूर आपसे कल हम जानकारी लेंगे कि ये राजयोग क्या है। और जो आपने एक बड़ी सी बात कही है कि श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान ने गाई हुई है वो जीवन को कैसे जीना है वो हमें सिखाती है, उस पर भी जरूर आपसे प्रकाश लेंगे। आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ही आनंद आया आपके साथ बात करके और आपके अनुभवों को सुनकर, और सब तक एक सुंदर और दिव्य संदेश आपने पहुँचाया है कि ईश्वर इस धरा पे कार्य कर रहे हैं। कल भी आपसे सुंदर जानकारी लेते रहेंगे दीदी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, धर्म और अध्यात्म सचमुच बहुत ही गूढ़ विषय हैं, जिन पे यदि हम चर्चा करें तो लगता है कि कितनी गहनता से हम इन चीज़ों को जानें और समझें। परमात्मा आकर अपना कार्य कर रहे हैं, ये सचमुच एक बहुत ही अद्भुत सी और अलौकिक सी बात है जो लगातार ब्रह्मा कुमारियाँ इस बात को कहती हैं। क्यों ना इस चीज़ को हम भी जानें और समझें ताकि जीवन को परिवर्तन की ओर ले चलें। लेकिन हमारा भी निश्चय और विश्वास कैसे गहन हो और कैसे ये निश्चय जो है पक्का होता चले, उसके लिए कल भी दीदी हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे और भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आप भी इस सुंदर कार्यक्रम में समाधान में हमारे साथ बने रहिएगा। कल इसी वक्त आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहां।
कहता है ये समाधान समाधान।